शबे बारात का आउटफिट है। हम लोग जा रहे हैं साफ सफाई करने, समरीन जा रही है नमाज पढ़, ये है काजल का आउटफिट। अभी मैंने कुरान पढ़ लिया है और अभी अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, तो आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉल के अंदर से। तो अभी मैं ये चप्पल लेके शुरू हूँ क्योंकि मैं आज बनी हूँ चप्पल पीटने वाली लड़की। डम 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 चप्पल चप्पल आज से इसको सब कमेंट में चप्पल बोला रही है। चप्पल चप्पल इसने हैशटैग चलाया ना, जवाब दो मैच भी उसको चेंज कर दो, जवाब दो चप्पल। आज अभी मैं आई हूँ अपनी ट्रिप की शॉपिंग के लिए, जो और वो ट्रिप कौन सी वो बाद में बताऊंगी। तो अभी मैं उसकी शॉपिंग के लिए आई हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी इतनी की है, और इसके हाथ में और एक मेरे हाथ में। तो चलो अभी और भी देखते हैं सामान की मिलता है या नहीं। शॉपिंग ट्रिप के लिए करते हैं पर रास्ते में ही पहन लेते हैं। मैंने इसलिए पहन लिया है क्योंकि अभी मेरे पैरों में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा और छिल गया है मेरा पूरा पैर, तो मैंने सोचा ये पहन ही लेती हूँ। और मैंने पता है इसलिए भी ये वाली फ्लैट ली है। फ्लैट ले लिया तूने? ओह माय गॉड, ये खुशखबरी, ये कब यार? पार्टी चाहिए मुझे, पार्टी चाहिए यार। गाइस इसने फ्लैट ले लिया है, कैन यू बिलीव? और अब हम उसी चीज की पार्टी करने जा रहे हैं। क्या क्या पिला रही हो मुझे? कुछ नहीं, कुछ तो पिलाओ यार। खुद ही पीऊंगी, तुझे की पिलाऊं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गाइस मैं अभी अपना हाथ धोने गई थी, मेरा एक देर था वो कम्प्लीट करने, पर बहुत ही गलत किया मैंने। लेकिन उसके साथ जो बात है, यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। तो गाइस मैंने तो अभी ज़ारा से शॉपिंग कर ली, इतना ऊंचा लग रहा है। मैंने इतनी छोटी है ना, बार बार जब भी इसके ब्लॉग में मैं आता हूँ ना तो मुझे ऐसे होना पड़ता है भाई। ये तुम्हारी गलती है, तुम लंबे गिरे हो। मेरी शॉपिंग तो हो गई है पूरी डन। तो सुनो, मेरी शॉपिंग हो गई, अब तुम करो। मेरी शॉपिंग हो गई अभी, ये जो है ना इसने बोला कि यार मैं भी लगे हाथ कर ही लेता हूँ, तुम भी यहीं पे हो तो हम पसंद कर लेंगे। तो फिर चलो ये भी करता, देखते ये क्या लेता है। तो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ ईओडी पार्क, जहाँ मैं न्यू ईयर के लिए आई थी। और अब फाइनली हम लोग यहाँ पे आए, और अब आज फाइनली टिकट भी मिल रहा है। और मैं अभी यहाँ पे अपनी कोल्ड कॉफी पी रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है जाने में। तो चलो अंदर मैं दिखाऊंगी आपको क्या क्या है। चलो 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 चलो, नहीं गिरोगी, चलो चलो ना, चलो ना, मैं चल तो रही हूँ। बहुत खतरनाक जगह है, मेरा दिल अभी बाहर निकला हुआ, मैं इस चीज से आई हूँ अभी। और अभी सांप में घुसना दिखाती हूँ, सांप में घुसना। तो नागिनी तो बनना है इसमें, इसमें नहीं जा पाऊंगी मैं। क्या इसमें स्लाइड करके जाना, चल। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि यार मैं कहीं ना नीचे गिर जाऊँ, भैया मुझे सिखा रहे थे ऐसे करो वैसे करो, पर पीछे लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, मैं हट गई वहाँ से। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया तो फिर मैं फाइनली नीचे आ गई। कैसे भी करते करते ऐसा लग रहा था बस मेरा ये लास्ट आखिरी वक्त है, पर मैं आ गई। कैसे मट्टी में खेल गया ये लोअर, कैसे कर लिया अपने? मैंने अभी किया ना, वो जिंदगी में पहली बार किया है मैंने, और ऐसा लग रहा है मरते मरते बची हूँ, इतना डेंजर था। दिखाती हूँ आपको, ये देख रहे हो आप, ये सारी चीज इन सब पे से गुजरती हुई आई हूँ मैं। ये सारी चीजें, ये जो दिख रहा ऊपर, ये सब इन सब से गुजरती हुई आई हूँ मैं। गाइस मेरे औकात का झूला मिल चुका है यहाँ पे, मैं इस पे ही झूल सकती हूँ, बाकी मैं हार्ट अटैक आएगा। हमें निकाल दिया गया है। और यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने सोचा कि चलो मकासा के सारे बाल कटवा देते हैं। हम लोग बिल्कुल गंजा करा दिया उसको क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और एक ना एक बार तो उसको पूरा बाल हटवाना बहुत ही ज़रूरी था, तो करवा दिया। और वो बहुत गुस्से में था। मकासा के बाल कितने सारे, इसके ना चला मकासा ही बैठा हुआ इसके अंदर। ये बाल है इसका, ये सफाई हो रही है, अभी अंदर वो नहा रहा है। ये नैनो बलून, ये देखो यार, इसने एक बार में फुला लिया यार, तो एक ग्लिटर लगा के थोड़ा सा बड़ा सा फुला दिया यार। अंडा अंडे का शेप है देखो गाइस, फाइनली ये फूला। आप लोग बताना कि आप लोगों ने में से किसी ने ये ट्राई किया है तो जरूर बताना, और इसको कैसे यूज करते हैं अच्छे से ये भी बताना यार, मुझे तो आई नहीं रहा। मैंने 10-15 अपना बर्बाद किया है बलून समझो, वो पूरा बड़ा सा फूल जाता है बिल्कुल, और जैसे मैं उसके अंदर से स्ट्रॉ निकालती हूँ वो फट जाता है। ये देखो गाइस, ये है बलून।
जी देखो काजल ने फुलाया है, वो भाई मेरे से तो नहीं फूला, ये तो ऐसा लग रहा है आम है आम। तो गाइज अभी मेरी हालत ऐसी इसलिए है क्योंकि अभी हो रही है पूरे घर की सफाई और अभी पूरे घर में जितने भी एसी हैं सबकी सर्विस हो रही है क्योंकि अब एसी चलने का तो टाइम आ ही गया है। और आज का दिन है शबे बारात का, मतलब मगरिब के बाद तो शबे बारात हो जाएगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं साफ सफाई करने, आधा आधा काम ये पोछने वाली है और मैं पोछने वाली हूँ वो सीढ़ी। तो चलो अब जल्दी जल्दी काम खत्म करते क्योंकि फिर नहाना भी है और फिर शाम के लिए तैयार भी होना है। अच्छे ये बहुत तेज है, सुबह सुबह नहा लिया इसने, मेरा काम ब्लॉक था क्योंकि मैं एडिट कर रही थी। चलो अभी मैं मिलती हूँ आपको। इस किस घर में ऐसा होता है कि कपड़े जब खराब हो जाते तो उसको पोछने वोछने के लिए बना लिया जाता है। जैसे ये मेरे पिछले साल का ये मेरे पिछले साल का सूट है जो इस रमजान में आपने देखा होगा, ये इसका ये पोछा बनाया गया। देखो पावर बैंक इधर है, पावर बैंक। और अभी ये वाला एरिया पूरा साफ करना है बिल्कुल, इधर पूरा तितिर बितिर होया हुआ है क्योंकि एसी की सर्विस हुई है, अब साफ हो चुका है। ये खुला हुआ क्यों है इसका मुंह? तो गाइस यहाँ पूरा रूम साफ सुथरा हो चुका है और यहाँ पे मेरा ये शबे बारात का आउटफिट है। मतलब मेरा कोई आउटफिट ऐसा था नहीं कि शबे बारात पे पहनना, पर ये मेरे पास था तो मैंने सोचा कुछ ऐसा ही पहन लेती हूँ। ये है मेरा पूरा सूट और ये है मेरा बूट, सूट एंड बूट। और मैं अभी नहा के भी आ चुकी हूँ और अभी मैं इस कपड़ों पे प्रेस करूंगी, उसके बाद पहनूंगी और बहुत ही कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी से रेडी हो जाते हैं। रेडी होने का मतलब ये नहीं कि मैं मेकअप थोपूंगी इस पे, कोई मेकअप नहीं होगा, मतलब ऐसी रेडी हो जाती हूँ कपड़े वपड़े पहन। फ्री हो गई मैं नहा के भैया, मजा आ गया बिल्कुल। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी आज खाना बन रहा है, किचन में खाना बना रही हैं और यहाँ पे साफ सफाई अभी तक हो रही है क्योंकि एसी का हो रहा है। यहाँ बन रहा है कढ़ाई चिकन। वो भाई मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है इसको देखने के बाद। और ये मसाले, मतलब ये जो शबे बारात है ना, और कल रोजा भी है तो मतलब वो टीजर है इसका रमजान के रोजों का। और आप लोग बताना कि आप लोगों से कौन कौन कल रोजा रहेगा, मतलब शबे बारात के अगले दिन। और हम लोग के घर में तो सभी लोग रहते हैं हर कोई। ये जो हील है ना, ये मैंने सिर्फ एक बार ही पहना है और ये कैसा हो गया, ये क्या है? ये मैंने सिर्फ 2-3 घंटे पापा के बर्थडे वाले दिन पहना था और मैंने बिल्कुल न्यू लिया था ये। और इस पे पता नहीं क्या ही हो गया था, सीलन की वजह से अजीब सा हो गया था सर्दियों में। ये अभी एसी साफ हुआ है तो इसलिए ये भी साफ हो गया पानी से, वेरी गुड। और मुझे ये हील बहुत ज्यादा पसंद है, तो अच्छा अब ये सूखता रहेगा। बहुत पसंद है इसलिए लग गया। मैंने भी कपड़े चेंज नहीं किए तो अब चेंज करेंगे, पहले सफाई तो हो जाए। देखो रूम का हाल, मौसम आज का बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा। आसमान भी बहुत ही प्यारा दिख रहा है आज तो, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। और पता है आप लोगों को 12 बजे से यहाँ पे ना काम हो रहा है और मेरे सामने ना एक अंकल है, वो मुझे देख रहे हैं कि कर क्या रही है, अपने आप से क्या बातें कर रही है। और यहाँ स्विगी वाली की कॉल आ गई। तो गाइज मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये आउटफिट पहना है और मेरा फेस इसलिए चमक रहा है क्योंकि मैंने फोटो खींची थी तो उसके लिए थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया था, अभी हटा दूंगी मैं। और मैं आपको आउटफिट दिखा देती हूँ कि मैंने क्या पहना है। ये है मेरा आउटफिट पूरा ये, और मैंने नीचे पजामा नहीं बदला है अभी क्योंकि भाई मैं इसमें ही कम्फर्टेबल थी। और यही है मेरा पूरा आउटफिट, ये पूरा सूट ऐसा है। तो चलो गाइज अब मैं चल रही हूँ फिर से ये सारा हटाने और फिर नमाज पढ़ूंगी मैं, क्योंकि जितना हो सके उतनी इबादत करो। तो अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से। गाइस ये इतनी सुस्ती दिखा रही है, कपड़े यहाँ छोड़ के इधर उधर घूम रही है, जल्दी चेंज कर। और यहाँ समरीन जा रही है नमाज पढ़ने। और आप लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये नमाज क्यों दिखा रही है, तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने बोला था शबे बारात का व्लॉग प्लीज डालना, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ। और आप लोगों को ये भी शक रहता है कि ये लोग नमाज पढ़ते भी हैं नहीं, कमेंट में ये जरूर आता है, वीडियो छोड़ दे 5 टाइमों का नमाज पढ़ लिया, अगर आपको दिखा दिखा कर अगर पढ़ेंगे तो हम आपके लिए थोड़ी नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने टाइम कोई कैमरा लेके नमाज पढ़ता है, ये बताओ पहले। आप लोग पढ़ते होंगे वैसे, हम नहीं पढ़ते कैमरा लेके। तो चलो गाइज अभी सब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कुछ लोग तो बस कपड़े को लेकर ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं ईद में क्या होगा। यार समीन तुम्हारा दुपट्टा सही है पूरा ढका हुआ, मेरा दुपट्टा छोटा निकल गया यार। सी माशाल्लाह अब काजल फाइनली रेडी होकर आ चुकी है। काजल जी आप क्या कहना चाहेंगी, अपना आउटफिट दिखाइए थोड़ा खड़े होकर। ये है काजल का आउटफिट, पजामा ज्यादा लंबा हो गया ना इसका। हाँ तो बताओ कुछ कहना चाहोगी। अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट हमारी तरफ से आप लोग को सलाम सलाम और दुआ दुआ भी है। चलो तो हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करिएगा कि हम बिल्कुल मतलब सही रहे हर चीज में आगे, और हम लोग भी आपके लिए दुआ करेंगे। हाँ, गिव एंड टेक, टेक एंड गिव। वैसे दुआएं तो मांग के नहीं ली जाती है, अगर खुद से दुआ दो तो ज्यादा अच्छी है, दिल से दुआ मांगे। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे जो आम दिनों में भी कमेंट में इतनी सारी दुआ करते हैं हम लोगों के लिए, सबको ही बहुत ही अच्छे है, हमारे सब्सक्राइबर्स ही बहुत ही अच्छे है। गाइस मेरी लटे ना बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं जो अपने बैंग्स कट करती खुद से, मैं कभी भी बाहर से नहीं करवाती, आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं शॉर्ट बनाऊंगी जिसमें मैं अपना ये बैंग्स कट करूंगी खुद से, तो आप भी कट कर सकते हैं अपना।
तो कमेंट में बताना हाँ या ना। तो गाइज अभी अभी मैंने कुरान पढ़ लिया है और अभी मुझे याद आया कि घर में कुछ खुशबू नहीं आ रही है, तो हम लोगों ने अभी लेकर आए ये अगरबत्ती अगर इसके दिमाग की बत्ती जलाएंगे अभी, तो अब थोड़ी खुशबू आएगी तो और अच्छा लगेगा, है ना। चलो जाओ जला के आओ, जलाने वाली क्लिप लोग भी देखना। हो गया चाय टाइम और यहाँ सब चाय वाय पी रहे हैं, चीनी कम थी इसके अंदर तो हो रहा है। और ये मेरे गांव का वो है बिस्किट, मेरी फूफी लेकर आई थी जो अभी सुबह आई थी ना वो, और ये अभी तक चल रहा है, मतलब हम लोग को बहुत पसंद है, हम लोग गाँव जब भी जाते हैं तो ये जरूर खाते हैं ऐसी बिस्किट्स को। बच्चों की फौज यहाँ पे अभी चलेगा, यार मेरा कैमरा नहीं खुलता है वक्त पे, यहाँ पे अभी फौज जाएगी अभी चार बजे तक लोग यहाँ पे जगे ही रहेंगे, आना जाना करेंगे, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि शाम के 6 बज रहे हैं। ये देखो आना जाना लगा ही रहेगा। तो गाइस अभी यहाँ पे सब नमाज की तैयारी कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैंने बस तुरंत अभी अभी नमाज पढ़ी है, अब मैं थोड़ा लेटने जा रही हूँ। दर्द हो रहा है मेरा बहुत ज्यादा, पता नहीं मुझे रात होते ही सर में क्यों दर्द होने लगता है, मैं थोड़ा सा लेटूंगी। और आज के दिन तो शैतान इतना भड़काता है ना, सो मैंने सोचा कि अपडेट दे दूँ, अभी हम लोग में से किसी ने भी खाना वाना भी नहीं खाया, कुछ भी खाएंगे हम आराम से ठहर के, मतलब ऐसा खाएंगे जो वो सहरी हो जाए और रोजा हो जाएगा। मिनट के मिनट में मैं ऐसे आ रही हूँ आप लोगों के सामने कि भैया अभी ये मैं सोच रही हूँ, अब जा रही हूँ कपड़े चेंज करने की, थोड़ा सा चुभ रहा है मुझे, तो मैं अपना जो कम्फर्टेबल मेरा सूट होता है घर का वही पहनने जा रही हूँ ताकि मैं अभी आराम से रहूँ, और मैं ये उतारने जा रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे खाना लग चुका है अभी और मैं दिखाती हूँ आपको खाने में क्या क्या है, ये बहुत जरूर की भूख लगी है, अभी 1 बज रहे रात के, तो खाना खा लेते हैं और मैंने चेंज भी कर लिया है। दोस्तों की ये बनता है एक और एक, ये दोनों मिले हुए होते हैं। अभी अभी हम लोगों की फजर की अजान हुई है, हम लोगों ने नमाज पढ़ लिया है, अब हम सोने जाएंगे और अब मैं मिलूंगी आपको कल, क्योंकि आज सबका पूरे घर में रोजा है, पूरा रमजान का हम लोग ट्रेलर लेंगे, फिर तो रमजान ही रमजान है। तो चलो अभी हम लोग जा रहे सोने क्योंकि भैया बहुत जोरों की नींद आ रही है, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट। Oh, 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 oh